अच्छा, आजकल हम थोड़े भाव बदल दिए हैं। पहले मैं कहता था कि हम सब बैकुंठ जाएंगे, पर अब हमने एक नया तरीका सीखा है। क्या ये बात तो कन्फर्म है कि हम वैकुंठ जाने वाले हैं। वैकुंठ जाने से तो हमको कोई नहीं रोक रहा। वैकुंठ तो जाएंगे, पर वैकुंठ जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी हमारी कथा करवाओ। हम नीचे भी दुनिया भर में कथा करके आए हैं, वैकुंठ आए हैं, यहाँ खाली नहीं बैठेंगे, यहाँ कथा करवाओ और आप ही कथा के यजमान बनो। और हमारे जितने श्रोता आए हैं, ये सब श्रोता बने, आप सब श्रोता वहां भी मिलोगे। जो हमारे संग जाएंगे वो उनकी तो बात ही नहीं है, जो हमसे पहले पहुंचेंगे वो वहां जाके सब व्यवस्था कर देना। ठाकुर जी को पहले से ही बता देना, बोले हमारे ब्यास जी आने वाले हैं कुछ वर्षों में, तो उनके लिए बढ़िया कथा वथा की सब व्यवस्था। महाराज, या तो अतुलनीय कथा सबसे पहली हुई थी विश्व की, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, और उससे भी पूर्व में हुई जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई, और या फिर अब एक अगली कथा होनी है वैकुंठ में, जहां हम सब जाएंगे, ब्यास हम ही बनेंगे, ब्यास बन के हम जाएंगे। बताओ, दुनिया में मृत्यु की बात करो तो लोग कहते हैं अरे भाई शुभ शुभ बोलो, यहां ताली बज रही है मृत्यु की बात करो। यही तो भागवत का प्रताप है कि यहां मृत्यु की चर्चा पे कोई शोक नहीं है। तो वहां जाकर के कथा करेंगे, जो हमसे पहले पहुंचने वाले हैं, जिनकी कुछ ही वर्षों में यात्रा प्रारंभ हो जाएगी वहां की, वो वहां जाके बढ़िया व्यवस्था करना, पंडाल कौन सा लगवाना, ऐसी बढ़िया बड़ा वाला पंडाल लगवाना, ऐसी लाइट लगवा देना, जब वृंदावन रसामृत हो तो लाल नीले पीले गुलाबी सब चले, आप नाचना, आपके संग ठाकुर जी भी नाचेंगे। 7 दिन तक वहां कथा सुनाएंगे, और 7 दिन जब पूर्ण हो जाएंगे तब हम ठाकुर जी से दक्षिणा मांगेंगे। ठाकुर जी कहेंगे बताओ व्यास जी क्या दक्षिणा चाहिए, तो मैं भी और आप सब भी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से दक्षिणा मांगेंगे, अब हमको वृंदावन भेज दो। 7 दिन वैकुंठ यात्रा हमारी पूर्ण भई, हम अपने पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ आ गए, अब वैकुंठ में कथा करके अब हमको दक्षिणा दे दो। क्या बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। ठाकुर जी से वृंदावन मांगेंगे और फिर अगले जन्म महाराज हम सबरे वृंदावन में ही आमेंगे, सबरे वृंदावन में जन्मेंगे, और जरूरी नहीं है मानव ही बनेंगे, बन उपवन और मोर बानर में। वैसे सबसे बढ़िया तो ये वृंदावन के बंदर बनेंगे हम सबरे, और फिर भोपाल इंदौर से आने वाले लोगों से, लोगों के पर्स ले लेके भागेंगे, फिर उनसे कहेंगे फ्रूटी पिलाओ। हम तो तब भी ब्यास ही रहेंगे, ब्यास बंदर। आप लोगों को ही पता होगा ये वही ब्यास जी हैं जिनकी वजह से हम बंदर बने हैं। दिन भर तो हम बानर बन बन के कूद कूद करके आनंद करेंगे वृंदावन में, और जब रात में सब सो जाए करेंगे ना, तब यमुना के तट पर जाकर के खूब आनंद निमग्न होकर नृत्य किया करेंगे, ठाकुर जी का स्मरण किया करेंगे, भगवत भाव गाया करेंगे। कितना सुख है बताओ, मृत्यु के नाम पर ताली बज रही है, बंदर बनवे के नाम पर ताली बजा रहे हो। क्यों? क्योंकि भगवत संबंधी वार्ता है ना, भगवत संबंधी भाव है ना, इसलिए। तो ठाकुर जी से दक्षिणा में क्या मांगेंगे, बोले हमको वृंदावन भेज दो नाथ। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ब्रज तज मोरी जाए बलाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, वैकुंठ जाके क्या करेंगे हम? मान लो स्वर्ग वैकुंठम चले भी गए, हम वहां करेंगे क्या? हमसे खाली तो नहीं बैठा जाएगा। स्वर्ग के विषय में भागवत जी आदि ग्रंथों में बताया जाता है,
कि वहां पर भोग भोगे जाते हैं और कभी वृद्ध नहीं होते, जितना भी खाओ कुछ भी करो, अरे भाई हमसे आराम होगा ही नहीं, ये खान पान करने का हमारा नियम है ही नहीं, हम लोगों को तो व्यस्त रहने की आदत है और ठाकुर जी के नाम में व्यस्त रहने की आदत है। तो स्वर्ग वैकुंठ यदि मिल भी जाए बंधुओं अपने कर्मों के अनुसार, पहले से ही यही निश्चित करके जाना कि यमराज जी के या फिर इंद्र के या फिर ठाकुर जी के चरणन में गिर जाएंगे, रो रो करके बेहाल कर देंगे, बोले बस दो चार दिन हमको रख लो फिर हमको भेज दो, वृंदावन ही भेज दो, और हमारी तो इतनी योग्यता नहीं कि हम कोई मानव बन सके, तो कोई बात नहीं हमको छोटा सा कोई पौधा बना दो, वृक्ष बना दो, वन उपवन और मोर बनर में कहीं लिख ली जो मेरो नाम। अरे श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीणाम। हे विधाता, हे ब्रह्मा, यदि मेरा कोई पुण्य बचा हो तो उस पुण्य के बदले मुझको वृंदावन भेजना और वृंदावन में भी छोटा पौधा बना करके भेज देना। ब्रह्मा जी बोले, क्यों? एक तो तुम बृहस्पति के शिष्य साक्षात उद्धव, तुम्हारे पुण्य तो इतने कि तुमको इंद्र की पदवी मिलनी चाहिए, लेकिन तुम पुण्य के बदले मांग रहे हो वृंदावन, और इतने पुण्य के बदले भी क्या मांग रहे हो कि कोई पौधा बना दो, अरे वृक्ष ही बन जाओ। बोले नहीं नहीं छोटा पौधा बनाओ, ताकि जब जब जोर की हवा चले ना तो इन ब्रजवासियों की रज इकट्ठी होकर के मुझको सना दिया करे, पूरे दिन उस ब्रज रज में सना रहूं मैं, इसलिए मुझे पौधा बना दे। श्री उद्धव जी महाराज मांगते हैं, भैया वृंदावन साचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे है कूरस एक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया। इसलिए आज से आपका भजन बदल जाना चाहिए, वैकुंठ और स्वर्ग की कामना के लिए भजन नहीं करना है, काय के लिए भजन करना, हमें वृंदावन चाहिए, हमें वृंदावन मिले। हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी राधासी। देखो ये मैं याकू गाऊं मुंह पे, तो मैं तो हूं ही ब्रजवासी, आप लोग गाओ गाओ। हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, कहा करोगे ब्रजवासी है के? बोले ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर किशोर हमारे ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी। हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरी हम कब होंगे। वैसे ही वृंदावन में इतनी भीड़ है गई है, अभी बिहारी जी सुन रहे होंगे कथा तो यूं कह रहे होंगे, दारी के यहाँ जगह ना है तो सबन ने ब्रज ही लिया, सबन को भोपाल छुड़वा दे, इंदौर छुड़वा दे, मेरो बस चले ना मैं सबन को वृंदावन ही ले चलूं, सब वृंदावन में रहें, आनंद कछु नहीं करें, दिन रात केवल ठाकुर जी के दर्शन करो, तांडुपट्टा खाओ पियो सो जाओ, वृंदावन में माला फेरनो भजन नहीं है, वृंदावन में तप को कोई विधान नहीं है, वृंदावन में यज्ञ के कोई विधान नहीं है, वृंदावन में तप यज्ञ जप सब क्या है? बोले सुबह शाम भोजन करो, राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी के दर्शन करो सो जाओ, यही भजन है वृंदावन में, सो वही भजन है सही में। वृंदावन में तो पड़े रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, वृंदावन में पड़े रहनो ही भजन है।
वृंदावन कछु मत करो। इसलिए भैया ये कथा सुनो, सेवा करनो, ये सबको एक ही हमको फल चाहिए कि हमें वृंदावन चाहिए, हमें ब्रजवास चाहिए। आपको पता है वृंदावन केवल मानव नहीं रहते हैं, वृंदावन में प्रकट होने वाले पुष्प जो है ना उन्होंने भी तप किया है, वृंदावन में प्रकट होने वाले फलों ने भी तप किया है, वृंदावन में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कुकर सुकर जीवों ने भी तप किया है। वृंदावन शतक में कहते हैं यत्रक प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चत घनताम उपैति, और कहां तप करने से वृंदावन मिलता, शायद मैंने एक दिन बताया था, श्रीमद् भागवत के महात्म में लिखा है तप भूमि बद्रीनाथ और साधन भूमि बद्रीनाथ फल भूमि वृंदावन। बद्रीनाथ में जब तप करते हैं तब जाकर के वृंदावन मिलता है, बद्रीनाथ में तप करना भी बहुत बड़ा काम है, इसीलिए श्रीमन नारायण वहां तपस्या में बैठे हैं और उसी तपस्या का फल है कि वही नारायण श्री कृष्ण रूप में ब्रज में जन्म लेते हैं। भैया वृंदावन में आनो साधारण बात नहीं है। हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली, कौन है हमारी सखी सहेली वृंदावन में, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, वंशी वटकी शीतल छैया, वंशी वटकी सुभग नदी यमुना सी, हो सुभग नदी यमुना सी, हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा, करमीत कमलासी, करमीत कमलासी, इतनी आस व्यास की पूजवहूं, इतनी आस व्यास की पूजवहूं। श्री आपके मध्य प्रदेश में ओरछा में प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी, ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव थे वे हरिराम व्यास जी, उनका ये पद है, इसीलिए उनके पद में व्यास शब्द आता है। जब सप्तनिधि का पद गाते हैं तो उसमें छठवे ठाकुर जी जो हैं, जो पन्ना में विराजते हैं श्री जुगल किशोर जी, वो इन्हीं के ठाकुर जी, पन्ना के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी, वही हरिराम व्यास जी कहते हैं, इतनी आस व्यास की पूजवहूं, इतनी आस व्यास की पूजवहूं, वृंदा विपिन विलासी, वृंदा विपिन विलासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, जोर लगा के गाओ, ठकुरानी राधासी, हाँ ठकुरानी हरी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरी हम कब होंगे ब्रजवासी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, वे एक बात बताएं, वैसे वृंदावन को सबसे ज्यादा गाया तो मध्य प्रदेश में ही है,
हमारे हरिदास परंपरा के अधिकतर जितने भी बड़े बड़े रसिक जन हुए वो सब मध्य प्रदेश बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में। हरिराम व्यास जी, इन्होंने तो सबसे ज्यादा वृंदावन रस को गाया, ये भी मध्य प्रदेश में, तो इस नाते से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वालों का टिकट जल्दी कटता है ब्रज के लिए। तो ये हमारे ब्रज भजनों शुरू कर दो। और उसके पीछे कारण है ना, ब्रज के सबसे बड़े लालस जिनको है ब्रज का, वो आपके मध्य प्रदेश में ही है ना, महाकाल। ये बैठे भली मध्य प्रदेश में, इनको मन पूरे दिन वृंदावन में ही रहे, ये 24 घंटा वृंदावन में ही रमण करते रहे। और ये बात सत्य है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी एक बार काशी में कथा हुई, तो काशी में कथा के बाद, अब आज देखो विश्राम दिवस है, अब हम अपने मन की सारी बात कह जाएं जो 6 दिन में ना कहे, और फिर हम जाते जाते खुशखबरी भी बता के जाएंगे। तो पहले सुन लो, खुशखबरी बताई है ना, ताली पहले बजा दो। बात सुनो, एक बार हमारी काशी में कथा हुई,